हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित राजसमंद जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, राजसमंद जिला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक राजसमंद जिला के नाम से जाना जाता है। राजसमंद जिला राजस्थान के दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा राजस्थान के बड़े बड़े शहरों से मिलती है। राजसमंद जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस राजसमंद शहर में मौजूद है। राजसमंद जिला की स्थापना सन 10 अप्रैल 1991 में हुई थी। यह जिला पहले उदयपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको अलग कर एक नया जिला राजसमंद गठित किया गया। राजसमंद जिला के पड़ोसी जिले का नाम उदयपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, पाली जिला और अजमेर जिला है। राजसमंद जिला में 7 तहसील, 4 उप तहसील, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 10 पुलिस स्टेशन, 10 सरकारी अस्पताल, 8 डिग्री कॉलेज, 205 ग्राम पंचायतें और 1,059 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजसमंद जिले का कुल क्षेत्रफल 4551 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राजसमंद जिला की कुल आबादी 11,56,000 है। इस 11,56,000 में पुरुषों की कुल आबादी 5,81,000 और महिला की कुल आबादी 5,75,000 है। इस जिले का औसत लिंगानुपात 990 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 990 महिला हैं। राजसमंद जिला के मुख्य नदी का नाम बनस नदी, गोमती नदी तथा चंद्रा नदी है। गोमती नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 338 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 605 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 63% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 63% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: गवर्नमेंट कॉलेज भीम, SHLD शासकीय कॉलेज, SRK शासकीय कॉलेज, ड्रीम इंडिया स्कूल, विद्या निकेतन विद्यालय, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 65 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम मालवी रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 5 ट्रैक शामिल है। इसका स्टेशन कोड MVJ है। मालवी रेलवे स्टेशन अजमेर रतलाम सेक्शन, चित्तौड़गढ़ उदयपुर सेक्शन, कोटा चित्तौड़गढ़ लाइन पर स्थित है, और यह रेलवे जंक्शन नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जोन के अजमेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, चेतक मकबरा, रमकनगढ़, राजसमंद झील, हौज काजी चौक, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, राजसमंद जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।